रायपुर से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां नंद कुमार साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय को शुभकामनाएं भी दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जहां नंद कुमार साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। और सौरभ सिंह परिहार लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, एक बार फिर आपको बता दें कि बड़ा अपडेट यहां पे सामने आ रहा है, नंद कुमार साय से जुड़ा हुआ ये खबर है, जहां पर उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। क्या कुछ जानकारी इस पर आप तक मिल पाई अब तक? बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा 1 मई को जो है, 2 महीने पहले कांग्रेस ज्वाइन किए थे नंद कुमार साय, और बार बार ये कहा जा रहा था कि उनको जो है निगम मंडल में जिम्मेदारी मिल सकती है, और यही जिम्मेदारी जो है मिली है। और कुछ देर पहले जो है उन्हें सीएसआईडीसी में जो है अध्यक्ष बनाया गया। निश्चित रूप से बार बार और पिछले दिनों खबर भी आई थी कि उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और अध्यक्ष अंततः बना दिया गया है सीएसआईडीसी का। और इसके अलावा जो है आने वाले समय में जो है उन्हें संगठन में भी जो है जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये तो सत्ता में जिम्मेदारी मिली गई है, अब संगठन में भी जो हो सकता है कि उनको अनुभवों को देखते हुए, चूंकि भाजपा में वो 4 से 5 दशक तक लंबे समय तक रहे हैं, तो चुनावी साल है, तो उनको ये मौका और दिया जा सकता है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि सीएसआईडीसी में उनको एक जो अध्यक्ष बना दिया गया है, जो जिम्मेदारी दे दी गई है, जो बार बार कहा जा रहा था कि 50 दिन हो गए, 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन नंद कुमार साय को जो कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि नंद कुमार साय से हमारी बात भी हुई थी इसी मुद्दे पर कि अब तक जो है अब आपको कोई पद नहीं मिल पाया है, तो उस दौरान उनका कहना था कि मैं पद के लिए कांग्रेस में नहीं आया हूं। और सबसे प्रमुख बात कि अब तक जो है नंद कुमार साय अपने क्षेत्र भी नहीं गए थे, और यह भी बताया जा रहा था कि कोई क्षेत्र जो है जाएंगे तो कोई पद लेकर जाएंगे, अर्थात कोई सत्ता के कोई प्रमुख चीजों को लेकर जाएंगे। और हो सकता है अब जब पद मिल गया, सीएसआईडीसी का अध्यक्ष बना दिया गया है, तो जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही जो है नंद कुमार साय जो है अपने जो गृह जिले जसपुर है वहां पर जाए। और जैसे हमने पहले ही बताया कि चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने कहा था कि जसपुर या कुनकुरी जो है पत्थलगांव जो क्षेत्र है वहां से वो जो है लड़ भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी की पूरी बड़ी खबर यही है कि सीएसआईडीसी का अध्यक्ष नंद कुमार साय को बना दिया गया है, जो कि काफी समय से यह तैयारी चल रही थी कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा जिम्मेवारी जरूर दिया जाएगा। जी सौरभ, बिल्कुल बड़ी बात यहां पर यह रही कि चुनाव जो है बेहद ही नजदीक है छत्तीसगढ़ में, और बड़े बड़े फैसले जो हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा लिए जा रहे हैं। पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया, जिसके बाद अब नंद कुमार साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।